गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 नया चैप्टर पढ़ा रही है आपको, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। ये किसने लिखा है? बाई मुल्कराज आनंद, ये हमारे राइटर हैं। इन्होंने एक कहानी लिखी है, एक चैप्टर लिखा है जिनका नाम है मुल्कराज आनंद। अब थोड़ा राइटर के बारे में देखो, मुल्कराज आनंद वॉज बॉर्न, मुल्कराज आनंद का जन्म हुआ था इन 12 दिसंबर 1905, 12 दिसंबर 1905 में। जो हमारा राइटर है मुल्कराज आनंद, इसने ये चैप्टर लिखा है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, उसका जन्म 12 दिसंबर 1905 में हुआ था। ही वॉज ए फेमस इंडियन राइटर, वे कैसे थे? एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। ही रॉट सो मैनी नॉवेल्स, उन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। ही डाइड ऑन 28 सितंबर 2004, उनका देहांत 28 सितंबर 2004 में हो गया। अब इसमें पहला पैराग्राफ देखो, पहले पैराग्राफ में हमने कुछ मीनिंग लिखे हैं, वो देख लो। पहले स्प्रिंग, राइटर ने स्प्रिंग का वर्णन किया है इस चैप्टर में। राइटर स्प्रिंग सीजन का डिस्क्राइब कर रहा है। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु, ये क्या होती है? द सीजन, ये वह मौसम होता है बिटवीन विंटर एंड समर, जो सर्दी और गर्मी के बीच में पड़ता है। व्हेन प्लांट्स, इस कंडीशन में क्या होता है सीजन में? जब पौधे बिगिन, शुरू होते हैं टू ग्रो, इस सीजन में बसंत ऋतु में पौधे धीमे धीमे बढ़ते हैं। फ्लावर्स, फूल आते हैं, डेट ब्लूम इन स्प्रिंग, और बसंत ऋतु में हमारे पेड़ पौधों पर जो कली होती है वो खिलने लगती हैं, नई नई पत्तियां आ जाती हैं, उसे हम बसंत ऋतु कहते हैं। सेकेंड विंटरी, विंटरी का मतलब होता है टाइपिकल ऑफ विंटर, शीतकालीन, शीतकालीन लहर बहती है, हवाएं चलती हैं। एलीज, नैरो स्ट्रीट, सकरी गलियां होती हैं छोटी छोटी, उन्हें हम एलीज नैरो स्ट्रीट कहते हैं। क्लैड, क्लैड का यहां मतलब है वियरिंग ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथिंग, मतलब एक विशेष प्रकार का कपड़ा पहने हुए, उसे क्लैड कहते हैं। गैली, गैली का मतलब होता है इन ए चीयरफुल वे, एक प्रसन्न चित्त मुद्रा मुद्रा में, और ब्रिमिंग ओवर ओवरफ्लोइंग विद जॉय, खुशी से आनंदित होते हुए। फैसिनेटेड, अगला वर्ड है हमारा फैसिनेटेड, मतलब टू अट्रैक्ट और इंटरेस्ट समथिंग वेरी मच, फैसिनेटेड होता है किसी भी चीज को देखकर या किसी भी वस्तु को देखकर आकर्षित हो जाना। अगला है बैक बिहाइंड, बैक बिहाइंड का मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड, पीछे हट जाना, पीछे छोड़ देना। अगला है लिंगरिंग, लिंगरिंग का मतलब है स्लो टू एंड, धीरे धीरे आगे बढ़ना। अब चैप्टर का पहला पैराग्राफ देखो, समझा रहे हैं। इस चैप्टर में जो लेखक है, राइटर है मुल्कराज आनंद, उसने डिस्क्रिप्शन किया है स्प्रिंग सीजन का, स्प्रिंग सीजन का वर्णन किया है। अब लेखक क्या कहता है देखो, एक बॉय द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, यह बसंत ऋतु का त्योहार पर होता है। फ्रॉम द विंटरी सेट्स, विंटरी सेट्स जो हमारी शीतकालीन हवाएं चलती हैं, ऑफ नैरो लेन्स, और जो हमारी सकरी गलियां हैं, सकरी गलियां हैं कम चौड़ी हैं, वहां से एंड एली इमर ए गैली फ्लैट ह्यूमैनिटी, और क्या है जो हमारे लोग हैं वो एक विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर, थिक एज ए स्वान और ब्राइट कलर, वो कैसे कपड़े पहनी है? ब्राइट कलर के कपड़े पहनी है। रैबिट्स, खरगोश, इश्यूइंग फ्रॉम ए वारिंग, और जो खरगोश है अपने घरों से निकल रही है। लेखक ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पर एक मेले का वर्णन हो रहा है, एक बालक होता है, छोटा लड़का होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ मेला देखने जा रहा है। दे एंटर द फ्लडेड सी, वे लोग प्रवेश करते हैं फ्लडेड सी टू वॉच द स्पार्कलिंग, ऐसा मालूम हो रहा है कि वह चमक रहा है सिल्वर सनशाइन,
चांदी जैसा सूरज की रोशनी में जो पानी बह रहा है वो चमक रहा है। आउटसाइड द सिटी गेट्स, कहां पर चमक रहा है? आउटसाइड मतलब बाहर की ओर। एंड स्प्रेड और फैलाता है टू वार्ड्स द फेयर, जहां पर मेला लगा है वहां पर यह दृश्य शो हो रहा है। सम वॉक, कुछ लोग तो पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल मेला देखने जा रहे हैं। सम रोड ऑन द हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ा गाड़ी पर मेला देखने जा रहे हैं। अदर्स है बीन कैरी इन बैम्बू एंड बुलक कार्स, और कुछ लोग लकड़ी की बनी बैलगाड़ी जो होती है उस पर मेला देखने के लिए जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय, अब यहाँ पर एक जो लेखक है एक छोटे लड़के को डालता है, छोटे बालक को डालता है। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का रेन दौड़ता है। बिटवीन हिज पेरेंट्स लेग्स, उसकी लंबाई कम है, वो अपने माता पिता के बीच से मतलब बीच में जा रहा है। एक साइड माँ है, एक साइड पिता है, उसके बीच में बालक मेला देखने जा रहा है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइट, बालक को ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत ही खुशी का आनंद हो रहा है। एंड लाफ्टर, और वह हंसता हुआ मेला देखने के लिए बढ़ता है। द जॉयस मॉर्निंग गेव ग्रीटिंग्स, सुबह बहुत ही अच्छी है, जॉयस मॉर्निंग है, गेव ग्रीटिंग स्वागत कर रही है। एंड अनअसेम इनविटेशन टू ऑल टू कम अवे इनटू द फील्ड, सभी लोग उस सकरी गलियों से होकर मेला देखने के लिए जा रहे हैं। फुल ऑफ फ्लावर्स एंड सॉन्ग, और चारों ओर कैसा वातावरण है, चारों ओर खेतों में फूल खिले हुए हैं और पक्षी भी गा रहे हैं। अब सेकंड स्टैंजा क्या होता है देखो, कम चाइल्ड कम, माता पिता बच्चे को बुलाते हैं, आओ बालक आओ। कॉल्ड विद पेरेंट्स, उनकी माता पिता ने बच्चे को बुलाया। एज ही लैग बिहाइंड, वो बालक पीछे रह गया, माता पिता आगे हो गए वो पीछे रह गया। अरेस्टेड बाई द टॉयस, जब कोई भी बालक अपने पेरेंट्स के साथ मेला देखने जाता है तो कुछ दुकानें ऐसी होती हैं वहां पर चीजें लगी होती हैं, मनमोहक होती हैं चीजें, उसको आकर्षित करती हैं, तो यही कंडीशन उस बालक के साथ हुई। बालक एक दुकान पर खड़ा हो जाता है जहां पर टॉयस खिलौनों की दुकानें हैं। इन द शॉप्स दैट लाइन द वे, जैसे वो अंदर जाता है गलियों से होता हुआ, वहां से मेला शुरू हो जाता है। वहां पर एक टॉयस की दुकान होती है, वहां खड़ा हो जाता है बालक और टॉयस को देखने लगता है। ही हरी टू वार्ड्स हिज पेरेंट्स, और बाद में क्या होता है, माता पिता आगे बढ़ जाते हैं, तो पीछे दौड़ता हुआ आता है। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, माता पिता बुलाते हैं, दौड़ता हुआ चला आता है। हिज आई स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीविंग टॉयस, उसकी आंखें केवल खिलौनों पर टिकी हुई है, उसे खिलौना चाहिए। एंड जिस प्रकार ही केम टू वेयर, वहां पर आता है, दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, वह थोड़ी देर के लिए रुकता है। ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, उसके हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है, डिजायर होती है कि अपने माता पिता से कहेंगे कि वह टॉय मुझे कोई खिलौना दिलवा दो उस दुकान से। इवन दो ही वॉज वेल नोन, वह भली प्रकार जानता है, ऑफ द ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, वह जानता है कि मेरे माता पिता उस खिलौने को नहीं दिलवाएंगे, उसकी आशा होती है, डिजायर होती है, इच्छा उसके दिल में रह जाती है। आई वॉन्ट दैट टॉय ही प्लीजेस, अब बालक क्या कहता है अपने माता पिता से, आई वॉन्ट दैट फॉर टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। ही प्लीजेस, वह आग्रह करता है, विनती करता है अपने गार्जियन पेरेंट्स से, विनती करता है। His father looked at him red eyed, यह बात सुनकर उसके पिता red eyed, अपनी लाल आंखों से मतलब उनके अंदर घृणा भरी हुई है, उस आंखों से देखते हैं बालक को। इन एक फैमिलियर टायरेंस वे, इतनी बुरी तरीके से देखते हैं कि बालक डर जाता है। His mother, अब वो क्या होता है, जो पिताजी होती है उसकी इच्छा को दबा देती है, नहीं दिलवा देती है। अब बालक माँ के पास जाता है। हिज मदर, उसकी माँ, मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे,
उसकी माँ का हृदय बहुत ही कोमल है, बहुत टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू कैन, उसकी उंगली को पकड़ लेती है क्योंकि मेले में बहुत भीड़ होती है, सैड, और कहती है लुक चाइल्ड, बालक देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने देखो क्या है, द फैन दिस गर्ल्स ऑफ चाइल्ड अनफुलफिल्ड डिजायर, अब बालक की जो हमारी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, हैड ऑलरेडी बीन क्वेल्ड इन द हैवी, और जो इच्छा उसकी बहुत ही भारी पड़ जाती है, पाउंटिंग सॉ ए ब्रीथ मदर, अब वो अंदर सांस लेता है और माँ से कहता है व्हेन द प्लेजर ऑफ गॉड, यहाँ का वातावरण कितना सुखदाई है, गॉड बिफोर हिम फिल्ड विद एंगर आई, दे हैड लेफ्ट द डस्टी रोड, हम किस स्थान से आए हैं, हम ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पर डस्ट धूल मिट्टी थी, ऑन विच जिस पर दे वॉक टू फॉल, इट वेंटेड इट्स वेरी वे सर्क्यूलिसली टू नॉर्थ, हम कहां से आए हैं, नॉर्थ से आए हैं, दे हैड कम अपॉन ए फुटपाथ, हम केवल पैदल चल के आए हैं, इन ए फील्ड, उस मैदान से, इट वॉज ए पॉडरी मस्टर्ड फील्ड, जिस जहां से हम आए हैं वहां पर क्या देखा, मस्टर्ड फील्ड, सरसों से लहराता हुआ खेत देखा, पेल पीले कलर की थी, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ऐसा लग रहा था जैसे सोना पिघल रहा हो, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स इवन लैंड, हम बहुत दूरी से आए हैं, ए रिवर ऑफ येलो, अब यहाँ पर जो लेखक है नेचुरल चीजों का वर्णन कर रहा है, प्रकृति से जुड़ गया है, अब लेखक क्या लिखा है, लेखक ने क्या लिखा है, ए रिवर ऑफ येलो लिक्विड लाइट, एक हमारी एक नदी पड़ी थी येलो लिक्विड लाइट, उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि बहती हुई प्रकाश चल रहा हो, एविंग एंड फॉलिंग विद ईच फ्रेश एवी ऑफ वाइल्ड विंड, और हमारी तेजी से हवाएं चल रही थी उस समय, एंड स्ट्रीम इन प्लेसेस इनटू ब्रॉड रिच ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम, और झरने भी बह रहे थे, यट फिर भी रनिंग इन ए कॉन्स्टेंट सनी स्ट्रीम टू वाट्स, उस समय मौसम कैसा था, सनी, सूरज भी निकला हुआ था, द डिस्टेंट मर्ज ऑफ एन ओशियन ऑफ सिल्वर लाइट, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो हमारा समुद्र होता है सिल्वर लाइट को फेंक रहा हो, वेयर इट एंडेड, जब अंत में ऑन वन साइड एक साइड पर स्टूड ए क्लस्टर ऑफ लो और मड वॉक हाउसेज, हमने क्या देखे, रास्ते में मिट्टी के बने हुए मकान को देखा, थ्रोन इनटू रिलीफ बाय ए डेंस क्राउड, जो जहां पर बहुत सारी बड़ी संख्या में भीड़ आ रही थी, ऑफ येलो रॉब्ड मैन, कुछ लोग तो पीले कपड़े पहने हुए थे, एंड वीमेन फ्रॉम विच अक्रॉस ए हाई पिचेड सिक्वेंस ऑफ विस्टलिंग क्रीकिंग सिकिंग ट्रोरिंग हमिंग नोइजे, और जो हमारी औरतें थी वो आवाज करती हुई आ रही थी, और हमिंग नोइजे, हमिंग का मतलब होता है मधुमक्खियों का भिन बनाना, वहां पर कुछ मधुमक्खियां भी आवाज कर रही थी, स्वीपिंग अक्रॉस द ग्रोव्स, और कुछ हमने जंगली पेड़ पौधे भी देखे, टू द ब्लू थ्रॉटेड स्काई लाइक द वियर्ड स्ट्रेंज साउंड ऑफ सीवाल मेड लाफ्टर, और हमने अलग अलग प्रकार की आवाजों को सुना, ये सारा वर्णन लेखक ने किया इस स्टैंजा में, अगले स्टैंजा में क्या कहना चाहता है लेखक देखो, द चाइल्ड लुक्ड अप टू हिज फादर, जो बालक होता है अपने पिता की ओर देखता है, एंड मदर और माँ की ओर देखता है, सेटरेटेड विद देयर थ्रिल जॉय, उसके अंदर एक उत्साह है, एंड वंडर ऑफ दिस वास्ट ग्लोरी, एक क्या है आनंद है, एंड फीलिंग, और उसके अंदर भावनाएं हैं, दैट दे जो रखता है, वो द एविडेंस ऑफ दिस प्योर डिलाइट इन देयर फेसेस, और उसके चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही है, He had the footpath and clung head long with the feet, और वह footpath पर बालक चलना है अपने माता पिता की उंगली को पकड़कर, pensioning like young cold in small feet, उसके छोटे छोटे पैर, timing with the fitful gas of wind, और हवाएं चल रही है, dead came rich and fragrance of more distant feet, उस मैदान को सुगंध से भर रही है, यहाँ पर जो लेखक है वो बालक का वर्णन कर रहा है कि जब बालक अपने घर से दूसरे वातावरण में जाता है, निकलता है, आउटसाइड वर्ल्ड को देखता है, तो उसे कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी खुशी होती है, अब हम कल आपको सेकंड पार्ट समझाएंगे।